the next place where I am visiting is Uluwatu temple. ये हिंदू टेम्पल के लिए माना जाता है, प्रसिद्ध है यहाँ पे हिंदू टेम्पल के लिए. सो चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या क्या है हिंदू टेम्पल के लिए, तो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा. अभी यहाँ पे देख सकते हैं फॉरेस्ट टाइप है, साथ में आपको बीच भी दिख रहा होगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा पर यहाँ से बीच व्यू भी है पूरा. ये जो टेम्पल है ओशन के तट पे है, एज ऑफ ओशन पे बनाया गया हुआ है टेम्पल. From Uluwatu temple view. यहाँ का ट्रेडिशन है सब लोगों को सरुंग पहन के आना पड़ता है. You can see. दोस्तों आप देख सकते हैं क्या सीन है, क्या मस्त वाली सीन है, क्या खूबसूरती है दिख रहे हैं. जिन्हें हम लोग, मैं उलुवातु टेम्पल पे हूँ, वहाँ से ऊपर से दिख रहा है ये सीन, क्योंकि ये टेम्पल तो पहाड़ पे है, बहुत हाइट पे है, और वहाँ से ये समुद्र का जो सीन है ये देखिए आप लोग. दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द उलुवातु टेम्पल. पहाड़ के पेड़ों को देख सकते हैं, क्या खूबसूरत वाली नज़ारे है यहाँ पे, है ना खूबसूरत नज़ारा. इट्स लुक्स लाइक ए पार्ट ऑफ जापान. तो ये टेंपल है देख सकते हैं, ऐसा तो यहाँ पे नहीं बस ये मंदिर है यहाँ पे, नॉट इंटर फॉर वर्शिप ओनली. यह है मंदिर देख सकते हैं, तो ये है मंदिर, और ये हमारे माना जाता है कि हिंदुओं की मंदिर है, पर यहाँ कौन भगवान का है ऐसा कुछ नहीं लिखा है, पर हाँ ये हिंदू के टेम्पल के लिए माना जाता है. गणेश जी जैसा मूर्ति भी है, तो